बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सलमान हसन। एक बार फिर साइफ़र की गूंज है और एक बार फिर हमें हर तरफ से साइफ़र एक हकीकत है, साइफ़र एक हकीकत है कि आवाज़ सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा था कि साइफ़र जो कि तकरीबन दम तोड़ चुका था, वो दोबारा से ज़िंदा हो गया है। उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह वो आर्टिकल बना है जो कि एक अमरीकी जरीदे द इनसेप्ट, जिसे इंटरसेप्ट भी कहते हैं क्योंकि अमेरिकन उसे इंटरसेप्ट कहते हैं, वहाँ पर वो शाया हुआ है। और जो आर्टिकल शाया हुआ है, इसकी भी थोड़ी सी ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि आखिर इसमें नया क्या है। और उस आर्टिकल में ये दावा किया गया है कि उन्होंने वो साइफ़र जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास था, और फिर वो पाकिस्तानी हुकूमत के जो साबिक वज़ीरे आज़म थे इमरान ख़ान साहब, उनके पास से खो गया था, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया है। वो जो साइफ़र था उसकी एक बाकायदा कॉपी, ये दावा किया जा रहा है कि इस जरीदे ने, द इनसेप्ट ने शाया कर दी है। और उसमें वो तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं जिसके बारे में बहुत से लोग पहले से आगाह हैं। अच्छा, इस बारे में भी आपको बताना है और साथ साथ ये भी इस वीडियो में बताना है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये साइफ़र की कॉपी है, ये ठीक है, तो इससे क्या फिर अब नया कोई क्या पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, या फिर जो पुरानी बातें हैं ये उसी इसमें वही बातें जो हैं वो दोहराई गई हैं। इसके अलावा ये कि जो इनसेप्ट जो जरीदा है, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ज़रा बताना है, जहन नशीन करना है कि जी आखिर ये जरीदा है क्या। तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम ज़रा वो जो सादा लो डोनाल्ड लू की तरफ जाएँ, पहले ज़रा हम जिक्र कर लेते हैं कि ये जो बेसिकली जिसने छापा है ये आर्टिकल, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक तो ये कि रायन ग्रेम है जो कि रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुर्तज़ा हुसैन साहब हैं, जिन्होंने मिलकर दोनों ने ये आर्टिकल जो है ये शाया किया है। और इसको अगर आप देखें, गौर से पढ़ें, तो इसकी हेडिंग, ऑल विल बी फॉरगिवन सेड अ यूएस डिप्लोमेट इफ़ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सक्सीड्स, यानी ये वही बात है कि जी सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा अगर इमरान खान जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसमें नाकाम हो जाते हैं। अच्छा जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो एक तो मुर्तज़ा हुसैन साहब हैं, इनके अगर आप ट्विटर हैंडल पे जाएं और वहाँ पर जाके देखें कि इन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, वो एक तो ये कि एंटी गवर्नमेंट हैं, यानी कि एंटी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट हैं और प्रो इमरान खान हैं, तो ये भी एक बात जो है वो हमें जहन में रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो इस आर्टिकल की जो पहली लाइन है ना, वो बड़ी दिलचस्प है, मैं उसी में फंस गया, आगे तो जाना दूर की बात, यानी कि मैं उसी में फंस गया कि जो आर्टिकल की पहली लाइन है वो कहती है कि द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एनकरेज्ड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन ए मार्च 7, 2022 मीटिंग टू रिमूव इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ओवर इज न्यूट्रैलिटी ऑन द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अकॉर्डिंग टू अ क्लासीफाइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द इनसेप्ट। अच्छा, दोबारा से पहली लाइन क्या कहती है? द यू एस स्टेट डिपार्टमेंट इनकरेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन अ मार्च 7, 2022 मीटिंग टू रिमूव इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। यानी वही बात कि ये जो दिलचस्प बात यह है कि खान साहब तो ये कहते रहे ना कि जी किसी और को इशारा दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी यानी कि वो कहते ही हैं कि जी बाजवा साहब को जो है वो मैसेज दिया जा रहा था और फौज को कहा जा रहा था, इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा था कि मुझे रिमूव करो। ये आर्टिकल कहता है कि जी द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इनकरेज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत, ये आर्टिकल कह रहा है कि जी जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस आर्टिकल के मुताबिक वो पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो बेसिकली इनकरेज कर रहा था कि जी आप अपने प्राइम मिनिस्टर को निकालें। तो पहली बात यही जो है वो यहाँ पर गलत साबित हो जाती है कि खान साहब कहते थे कि जी वो बल्कि पूछते थे कि किसको कह रहा था, प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, हुकूमत तो मैं हूँ, तो वो किसको कह रहा था, तो वो हुकूमत को कैसे कह रहा था फिर अगर इस आर्टिकल को सच मान लिया जाए। तो ये मेरे हिसाब से तो बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल आगे चलें इसमें, और ये जो आर्टिकल है इसको डिटेल में मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा आप भी अगर इसको देखें पढ़ें, जिस जिसने पढ़ लिया है अंदाज़ा हो जाएगा उसको कि ये पूरी एक चार्जशीट है यानी कि इमरान खान के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पूरी चार्जशीट है। और उसमें मुखालिफिन में सिर्फ ये जो हुकूमत है ये नहीं है, बल्कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट, उसमें मिलिट्री, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो शामिल है। और एक एक बात उसमें जो है ना वो ऐसी तफसील से लिखी हुई है कि जिसमें आप जाके आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक ग्रज जो होती है ना
जैसे ग्रज निकालते हैं, तो वो ग्रज इस आर्टिकल में जो है ना वो एंगलिंग करके निकाली गई है। और पूरा इसमें जो है नक्शा खींचा गया है, पूरी एक चार्जशीट जो है वो तैयार की गई है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें, क्विकली हम आ जाते हैं उस साइट के ऊपर जिसमें उसने बेसिकली जो इन्होंने जो इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है 7 मार्च 2022 का वो जो साइफर था उसका जो ट्रांसक्रिप्ट छापने का दावा किया है कि जी ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये मिनोअन वही ट्रांसक्रिप्ट है जो कि डीकोड हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है वो कोडेड लैंग्वेज होती है जिसमें साइफर जो है वो भेजा जाता है और फिर उसको डीकोड किया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी वो उसके एल्गोरिथम्स होते हैं उसके हिसाब से, और फिर वो जो है पढ़ा जाता है। तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मारियम एमन साहिबा के साथ एक इंटरव्यू में ही एतराफ़ कर चुके हैं कि जी एक कॉपी उनके पास थी और वो पता नहीं कहाँ गई, वो खो गई। तो अब ये जो बयान था उनका, ये जो वीडियो पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, ये बड़ा उनके लिए ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। वो कहते तो थे कि मैं बाहर अगर चला गया हुकूमत से तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो बहुत सारी बातों में तो वो उन्होंने कहा और साबित भी किया कि वो ख़तरनाक हो गए, और इस चीज़ को इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि जब 9 मई से मुतालिक जो वाक़या हुआ से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री अभी पिछले दिनों जो है वो दिखाई गई है, तो ये बार बार जो है वो इमरान खान साहब का ये बयान चलाया गया कि जी मैं अगर बाहर मुझे निकाला तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो वो बेसिकली ग्राउंड बनाया गया उनके इस बयान को कि देखें जी आपने खुद कहा था कि आप जो है ख़तरनाक हो जाएंगे और आपने 9 मई कर दिया, आप ख़तरनाक हो गए। इसी तरह ये जो इन्होंने बात की खान साहब ने कि जी मेरे पास से ये खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, तो वो यहाँ चला गया है बेसिकली। अब इसको बुनियाद बनाया जाएगा कि जी ये जो जो सहाफ़ी है ना जो इसमें ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो सोर्स है वो बेसिकली एक मिलिट्री जो है पर्सनल है या सोर्स है और उसका ताल्लुक जो है वो खान साहब से जो है वो कतई तौर पे नहीं है, तो वो पता नहीं अजीब व गरीब अंदाज में घुमा के जो है वो अपनी सोर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सोर्स से मुतालिक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बतानी है आगे चल के, लेकिन पहले जो है वो बस क्विकली सिर्फ उस साइफर का जो है ना वो जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि इसमें वो पूरी जो डिटेल है बज़ाहिर तो यकीन जाने ये तो जाहिर सी बात है कि इसकी तहकीक होगी और तहकीक में पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वही साइफर है या नहीं है, और पता नहीं इसकी कोई तरदीद आती है नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो अलबत्त कह दिया है कि जी ये इस पर नया कुछ नहीं है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ठीक है, बिल्कुल करानी चाहिए, होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये जो है वो जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कैसे लीक हुआ, क्योंकि सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान का जिसमें भी तरमीम भी हुई है, तो वो जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उसको लीक नहीं कर सकते। जिसने भी लीक किया है, जिसकी तरफ से भी गया है, ये जो है ये एक क्राइम सरजद हुआ है बेसिकली। अच्छा जी, तो उसमें वो सारी डिटेल है कि जी लंच पे जो है वो डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई, ये असद मजीद साहब जो हैं वो लिख रहे हैं जो कि बेसिकली उस वक्त जो है वो सफ़ीर थे अमेरिका में। तो अब जनाबे अली वो सारी की सारी जो है वो डिटेल उन्होंने लिख दी है कि जी किस तरह से हम जो है वो बातचीत कर रहे थे, बयान कर रहे थे, और एक एक जिसे कहते हैं ना कि बात को तफसील से इसमें असद मजीद साहब ने जो है लिखा कि डोनाल्ड लू ने जो है वो क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कहा कि इट डज़ नॉट सीम सच अ न्यूट्रल स्टैंड टू अस, ही शेयर दैट इन हिज डिस्कशन विद द NSC इट सीम्स क्वाइट क्लियर दैट दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी। अच्छा जी, फिर आगे जो है वो कहते हैं कि जी जो उनका जुमला है मैं सिर्फ ये ज़रा कोट करना चाहता हूँ। असद मजीद लिखते हैं कि आई आस्क डॉन इफ द रीज़न फॉर अ स्ट्रॉन्ग US रिएक्शन विद पाकिस्तान अटेंशन इन द वोटिंग इन द UNGA, ही कैटेगोरिकली रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट इट वॉज ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मॉस्को। ही सेड दैट आई थिंक, डोनाल्ड लू ने कहा कि आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स ऑल विल बी फॉरगिवन इन वॉशिंगटन बिकॉज द रशिया विजिट इज बींग लुक्ड एट एज ए डिसीशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। ही पॉज्ड एंड देन सेड आई कैन नॉट टेल how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar. And then he said, honestly, I think isolation of the Prime Minister will become very strong from Europe and the United States. ठीक है ना, तो basically वही जो एक बात थी कि जी उस वक्त क्योंकि मसला चल रहा था यूक्रेन का, रशिया का, और अमरीका जो है वो ज़ाहिर है ख़िलाफ़ था रूस के, और जो रूस ने जो है वो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, और उसी दौरान में
इमरान ख़ान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दौरा करते हैं रूस का, तो एक ज़ाहिर है एक एक जो क्या कहना चाहिए, एक डिसेंट जो है वो तो फितरी था, वो तो आना ही था। तो उसी को बुनियाद बना के ये गुफ्तगू, ये बातचीत हो रही है कि भाई जी आप जो है वो अगर यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है अगर आप उसमें नहीं रहते प्राइम मिनिस्टर तो फिर तो ठीक है, फिर तो सब कुछ दरगुजर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन अगर रहते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि मामला टफ़ हो जाएगा, यानी कि जो हालात हैं या जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो है वो सख्त हो सकते हैं। ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक रियासत दूसरी रियासत से जो है वो बात कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें इस तरह की गुफ्तगू जो है वो बातचीत होती है। और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में असद मजीद साहब जो हैं उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो टैकल किया, और उसके बाद एक एक बात उन्होंने तहरीर करके जो है वो भेजी आगे और पाकिस्तान में बताई। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक बार फिर ये पैदा, इसकी आखिरी बस अब मैं आपको बता दूं, जो ये साइफ़र मुबैना तौर पे जो साइफ़र जो जारी किया गया है इस वेबसाइट पे द इंटरसेप्ट पे, कि जी उसकी असेसमेंट ये थी कि डॉन कुड नॉट हैव कन्वेड सच अ स्ट्रॉन्ग डीमार्श विदाउट द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द वाइट हाउस। ये असद मजीद साहब जो है वो समझते थे और उनके ख्याल में कि जो डोनाल्ड लू था उसकी जो ज़बान थी वो इतनी सख्त जो है वो बग़ैर किसी आशीर्वाद के नहीं हो सकती थी, यानी उनका कहना ये था कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आशीर्वाद जो है वो इनको हासिल था। और टू विच ही रेफर्ड रिपीटेडली क्लियरली डॉन स्पीक आउट ऑफ टर्न ऑन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो अंदरूनी सियासी एक प्रोसेस है उस पर बहस की, उसमें दखल अंदाजी दी। वी नीड टू सीरियसली रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड कंसिडर मेकिंग एन अप्रोप्रिएट डिमार्श टू द US चार्ज डी अफेयर्स इन इस्लामाबाद। यानी कि उन्होंने उस मतलब कंक्लूजन में ये लिख दिया कि हमें डिमार्श करना चाहिए, और बाद में जो है वो जब मामला आया सामने तो उसमें डिमार्श कर दिया गया। तो बहरहाल अब इस पूरे साइफर के अंदर ये जो जारी किया गया है इसमें नई कोई बात जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं पे ऐसा कोई नहीं है कि जी कोई प्लान किया गया साजिश की, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट से कई दफ़ा पूछा गया, खुद इंटरसेप्ट की जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी रब्ता किया, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी जो है ना वो हमारा हमने ना कभी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर किया है ना कोई बात है, और हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं जब भी ये कोई साजिश वगैरह की कहानी सामने आई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये बताऊं कि जो ये जो वेबसाइट है द इनसेप, ये फरवरी 2014 में जो है इसका क़याम अमल में आया था, और ये बेसिकली जिन लोगों ने ये इदारा बनाया था ना, यानी कि ये जो जरीदा कह लें इसको, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है फर्स्ट लुक मीडिया, और ये बेसिकली ग्लेन ग्रीनवॉल्ड और इसके अलावा लॉरा पॉइट्रस, तीन लोगों ने बनाया था, लेकिन इसमें जो मशहूर नाम है वो ग्लेन ग्रीनवॉल्ड और लॉरा पॉइट्रस हैं। ये वही दो लोग हैं, आपको याद होगा आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी स्नोडन, और वो बनी थी एडवर्ड स्नोडन के ऊपर, जो कि जो NSA या CIA के लिए काम कर चुका था, एक IT एक्सपर्ट था, कंप्यूटर एक्सपर्ट था, और फिर वो रोग हो जाता है, यानी कि वो बागी हो जाता है, और वो अमेरिका से कुछ डेटा जो है वो चुरा कर चला जाता है हांगकांग, और फिर वहाँ पर वो कुछ जो सहाफ़ी हैं अमेरिकन सहाफ़ी उनसे राबता करता है वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन के, और कुछ सहाफ़ियों को जो है वो यानी कि जो जिन सहाफ़ियों से वो राबता करता है, बेसिकली ये वो दो सहाफ़ी थे जिनसे वो राबता करता है, जिनके नाम मैंने आपको बताया कि ग्लेन ग्रीनवॉल्ड और लॉरा पॉइट्रस, ये दो थे। और यही वजह रही कि जो ये जो द इंटरसेप्ट जो जरीदा था या वेबसाइट थी ये उस वक्त जब कायम हुई है, तो ये ज़्यादातर वो जो एडवर्ड स्नोडन ने जो इनको डेटा दिया था, जो लीक डेटा था उसको इन्होंने शाया किया, उसको इन्होंने छापा, तो ये वहाँ से उनका जो आगाज़ हुआ, यानी कि लीक्ड डॉक्यूमेंट से ही इन्होंने अपना ये जो इदारा है इसकी बुनियाद रखी थी। अच्छा ये तो चले ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है ना इंटरसेप्ट की वो थोड़ी सी ज़रा शेकी इस लिहाज से है कि ये जो अपनी जो सोर्सेज है ना उसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, हालांकि जो सहाफ़ी होता है उसका काम ये होता है कि वो अपनी सोर्स को प्रोटेक्ट करे, आखिर तक प्रोटेक्ट करे, बेशक जेल चला जाए, और ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसे सहाफ़ी मौजूद रहे हैं जिन्होंने जेल तो काटी लेकिन अपनी सोर्स के बारे में नहीं बताया। लेकिन ये जो इदारा है, ये जरीदा है ना, ये जो द इंटरसेप्ट, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, और उसके लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक नाम बताना चाहता हूँ
जिसकी अगर मैंने ज़ाहिर है मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो आपके साथ मैंने कहा शेयर करूँ, आप भी जाइए जाके इसको कन्फर्म कर लीजिए। रियलिटी विनर एक खातून थी, 25 साल खातून, ये काम करती थी NSA के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो रियलिटी विनर खातून थी ये बेसिकली सोर्स थी इंटरसेप्ट की, कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी कंफर्मेशन के लिए रियलिटी विनर 25 साल खातून जो थी उनसे रابطہ किया था एक सहाफ़ी ने जो इंटरसेप्ट के लिए काम करता था। और उस सहाफ़ी ने उस डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट्स की जो कंफर्मेशन के लिए जब उनको जो है वो कम्युनिकेट किया कि आप हमें कंफर्म करें, तो जाहिर सी बात है वहाँ से जवाबन उन्होंने जो है वो ईमेल की या जिस जरिए से भी बताया, तो हुआ ये कि वो पकड़ में आ गई। और फिर FBI ने जो है वो अगले ही दिन जाके उनके घर पे छापा मारा उन खातून के, रियलिटी विनर के, और फिर उनको गिरफ़्तार किया। और रियलिटी विनर ने 5 साल 3 माह जेल काटी। जी, 5 साल 3 महीने वो जेल में रही हैं। रिसेंटली जो है ना वो कहा जा रहा है कि रिलीज़ हुई है। तो बहुत आसानी के साथ जो है वो FBI ने वो पता लगा लिया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कहाँ से लीक हुए और कैसे हुए, और ये भी कुछ नहीं कर पाए थे द इनसेप्ट। तो अपनी जो बेसिकली जो सोर्स है उसको ये छुपाने में नाकाम रहे थे। तो मुझे अब यही लग रहा है कि क्योंकि ये हिस्ट्री है इनकी, जाहिर सी बात है, तो ये भी मुमकिन है कि बहुत जल्द ये भी पता चल जाए कि जो रायन ग्रेम या मुर्तज़ा हुसैन साहब जो है ये जो बेसिकली लेकर आए हैं ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ से आया है, कैसे लीक हुआ, इन तक कैसे पहुँचा, और इसकी जो पूरी ट्रेल है, आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे जो इदारे हैं ना वो अनकरीब पता लगा लेंगे, पता चला लेंगे, क्योंकि हमारा जो कानून है ज़ाहिर है वो इजाज़त नहीं देता इसकी किसी तौर पे भी कि आप कोई इस तरह का सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है उसको आप इस तरह किसी भी जरीदे को या इदारे को दें जो कि इसको शाया करें और पब्लिक करें। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। और इसमें जो सबसे बड़ी तशवीशनाक जो बात है ना वो यही है कि इमरान खान साहब इसको कबूल कर चुके हैं, इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। लाख जो है वो आप इस स्टोरी में जाके पढ़ें और वो क्लैरिफिकेशन दें कि जी हमारी सोर्स तो मिलिट्री सोर्स है और उसका ताल्लुक़ नहीं है इमरान खान से। वो बच्चों की तरह नहीं होता, वो जो खुशिया एक कैरेक्टर था कि वो ख़ुद से ही जो है ना वो बोल दिया करता था कि जैसे ही छापा पड़ता था वो कहता था कि नहीं हम लोग आम तो नहीं खा रहे थे, तो पता खुद ही बता देता कि हम आम ही खा रहे थे बेसिकली। तो वो यही वाली जो है ना वो बज़ाहिर इस स्टोरी में ये चीज़ अब तक नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इनकी हिस्ट्री है NSA की कि ये अपनी जो सोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा कभी इस बात के चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में, अब नियर फ्यूचर में जो है वो पता चल जाए कि ये जो है ये कहाँ से जो है ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और किस तरह से पहुँचा है। और अब इस पे ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस का ISPR की जानिब से इसका रद्दअमल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि वो क्या बताते हैं। और कहते हैं ना वही वाली बात कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, ज़्यादा बोलना जो है ना वो मसला है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि बुगटी साहब का जब वाक़या हुआ था ना, तो उस वक्त ज़ाहिर है वो वाक़या जो है वो बलूचिस्तान में हुआ था, पहाड़ों में हुआ था वहाँ पर। और उससे पहले एक बयान था, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान जो है वो ग्रेनेड फटने से वहाँ पर जो है वो कार जहाँ पर वो थे वो बैठ गया था वहाँ पर, और फिर उसके बाद वो जो है ना वो जहाँ भाग हो गए थे। तो लेकिन जो केस बना था वो मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ इसलिए बना था क्योंकि उनका एक बयान बड़ा जो है ना कुछ दिन पहले का उनका था, या कुछ शायद हफ्ते पहले का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वो अकबर बुगटी साहब जो हैं उनको कायल करने के लिए जो है वो बात की जा रही है वो मान नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि जी आजकल जो है ना वो पता भी नहीं चलता मिज़ाइल किधर से आता है और किधर से आके मिज़ाइल जो है ना वो लग जाता है। वो पता नहीं किस पैराए में उन्होंने बात की, लेकिन हुआ क्या कि वो वाकया इसी तरह से हो गया। लोग तो ये समझे ना कि मिज़ाइल मारा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है पूरा जो गार था वो बैठ गया था जहाँ पर मज़ाकरात के लिए भेजा गया था पाक फौज के लोगों को। तो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो होते हैं ना, वो जब आपको पता है ना कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जब किसी को गिरफ़्तार करती है अमेरिकन पुलिस तो फौरन उसको गिरफ़्तार करके क्या कहती है, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, वट एवर यू से विल बी यूज अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो वो जो भी उस वक्त आप बोलते हैं ना, बात करते हैं, वो फिर आपके ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल होता है।
तो ये जो ज़्यादा बोलना है, चाहे वो आप बड़बोलेपन में बोल दें या भड़क मारने के चक्कर में बोलते हैं, या ज़्यादा ही आपके सच्चे हैं कि आप बहुत सच्चे हैं, देखिए आप जितने मर्जी सच्चे हों, जो कौमी सतह के राज हैं वो आप नहीं बयान कर सकते, आप ऑन ओथ होते हैं, आप नहीं बता सकते। बहुत सारी बातें हैं, जैसे अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत से राज अपने मैं सीने में कब्र में लेके जाऊंगा, और है ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जो ऑफिस बेयरर होते हैं ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इसमें आप बहुत से राज अपने साथ रखते हैं। ये नहीं कि जी मैं कौम से सच बोलूँगा, वो सच के चक्कर में आप जो है ना वो पूरी की पूरी जो कौम है ना उसको खुडे लाइन लगवा दें, उसको मसाइल में डाल दें, जो कि फिर जाहिर सी बातें हमारे साथ हुआ है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये शायद कुछ अरसे में पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट अगर है जेन्युइन है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट ये लीक हुआ है, तो ये कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, और ये इस इदारे तक जो है वो कैसे पहुँचा है, ये सब अब आने वाले दिनों में ना बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना इसके ऊपर काम होगा। और हमारे जो इदारे हैं वो इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर आज ऐसा हो सकता है तो कल को खुदा ना खास्ता कोई और भी जो है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि जिसने भी ये बात की है कि जी मेरे पास उसकी कॉपी है या हमारे पास है, तो वो भी ज़रा संभल के रहे कि आपने ये बात तो कर दी। कुछ साफियों ने भी कहा था कि जी हमारे पास उसकी कॉपी है, चाहे कॉपी है, चाहे मजाक में आपने कहा था कि उसकी कॉपी है, लेकिन अब इदारे आपको बुलाएंगे और पूछेंगे ली बताइए जी किधर है वो कॉपी, और आपके पास है वो कॉपी पेस्ट कैसे हो गई है। अल्लाह हाफिज़।